YouTube/कमाना खाना से जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आपको आज सिखाने जा रही हूँ राजमा, पंजाबी राजमा, जम्मू के राजमा, कश्मीर के राजमा अलग तरीके से बनते हैं, वो फिर किसी दिन सिखाऊंगी। अभी फिलहाल ये राजमा बड़े ही टेस्टी बने हैं। क्या इसकी रेसिपी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये राजमा किसी की डिमांड पर बनाया है, हमारी बहुत ही प्यारी सी कोई सहेली है जिन्होंने कहा कि राजमा बनाना सिखाइए, तो चलिए सीखते हैं। राज के मां मतलब राजमा। तो चलिए आज कमाना खाना में किसी की डिमांड पर जो राजमा बन रहे हैं, तो राजमा मैंने रात को भिगो दिए थे। ये मैंने छोटे से राजमा भिगोए थे जो बड़े हो के इतने बड़े हो गए। अब इसको मैं कुकर में शिफ्ट कर रही हूँ। तो राजमा मैंने चढ़ा दिए हैं, चलिए थोड़े से मसाले डाल दूं इसमें। मैंने ये डाल दी है हल्दी थोड़ी सी, और ये किसी की डिमांड पर बन रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग मिर्ची खाते होंगे तो डालिएगा। मैं मिर्ची बहुत कम खाती हूँ, मिर्ची डाल दी है मैंने। और उसके बाद मैंने ये हल्का सा गरम मसाला डाला है, ज्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। और ये याद रखें कि राजमा बहुत वायु करते हैं, मतलब कि गैस करते हैं, तो ये अदरक मैंने इसमें डाल दिया है राजमा में। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वादानुसार नमक, तो ये नमक मैंने डाल दिया। हाथ से डालती हूँ मैं नमक, मुझे हाथ ही से अंदाजा लगता है। अब ये देखने वाली बात यह है कि इसमें और क्या क्या पड़ रहा है। बड़ी इलायची पड़ती है दो, बट मेरे घर में बड़ी इलायची नहीं थी तो मैंने ये छोटी इलायची डाल दी है। और ये तेज पत्ता, कुछ तेज पत्ता मेरे हाथ में है वो डाल दिया है मैंने। अब इसमें मुझे लौंग भी डालनी पड़ेगी, एक मिनट में आती हूँ। तो मैंने ये 4-5 दाने लौंग के भी इसमें डाल दिए हैं। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट और एक दो चीजें पड़ने वाली है, उसमें से ये है घी 1 चम्मच। और घी 1 चम्मच नहीं, थोड़ा सा ज्यादा राजमा है इसलिए मैं इसको 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। बाद में तड़के में एकदम थोड़ा घी डालूंगी मैं। और राजमा कभी कभी पकते नहीं है जल्दी, इसलिए एकदम चुटकी भर सोडा डाल रही हूँ मैं इसमें, डाल दिया। चलिए पानी डालती हूँ। तो लीजिए मैंने थोड़ा सा ये पानी भी और ऐड कर दिया, पहले थोड़ा पानी था। अब इसको मिनिमम मैंने 10 से 12 सीटी बजानी है और फिर खोल के देखना है कि ये गले के नहीं गले। सारी रात भीगने के बावजूद भी कई बार राजमा जो हैं वो जल्दी नहीं गलते हैं। उसको फिर तड़का मारने की तैयारी एक तरफ करती हूँ, एक तरफ मैंने ये राजमा चढ़ा दिए हैं। तो चलिए तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। घी लेकर इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी हींग, क्योंकि हींग पेट को अच्छा रखती है। आपने हींग का वीडियो देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने, और जीरा डालने के बाद मैं अदरक डाल चुकी हूँ राजमा में, तो अब मैं डालूंगी लहसुन। तो ये लहसुन मैंने 1.5 से 2 चम्मच लहसुन इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, ताकि लहसुन नीचे लग ना जाए। वैसे मैं प्याज के साथ भी लहसुन डाल सकती थी ताकि नीचे न लगे लहसुन, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको प्याज के साथ ही सौते करने की सोची है। और मैं इसको चलिए सौते कम से पे कर लेती हूँ। तो चलिए ये प्याज जो है हल्का भूरा हो गया है और लगने भी लगा है नीचे, तो मैं इसमें डाल दूंगी अब ये टमाटर। तो ये 4 टमाटर लिए थे मैंने, 3 प्याज लिया था, तो इसलिए ज़्यादा सोचिएगा नहीं कि कामिनी जी ने बताया नहीं कि कितने प्याज और कितने टमाटर लिए थे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। अब आप कहेंगे नमक क्या टमाटर और इसके लिए प्याज के लिए, जी नहीं, ये उसके लिए भी होता है, लेकिन गल जाए टमाटर जल्दी से इसलिए इसमें नमक डाला जाता है, ये आज का टिप है। चलिए अब हम तेज़ करके चूल्हा इसको ढाँक देते हैं ताकि जल्दी से गले। तो हम देख पा रहे हैं कि प्याज और टमाटर जो है मैश हो चुका है। बस अब ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। जैसे ही राजमा
मैंने खोल के देखा था, राजमा थोड़े कच्चे थे, तो फिर से सीटी बजा रही हूँ उसकी 8 से 10, और एकदम नरम राजमा चाहिए, एकदम मक्खन मुलायम की तरह, उसमें ये तड़का ऐड करूंगी। तो लीजिए, गल गए हैं राजमा, और इनको चेक कर लेते हैं हम, तो एकदम गल चुका है ये। ये देखना बहुत जरूरी होता है कि राजमा गल जाए, नहीं तो कच्चा राजमा तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। और इसके लिए इसको कम से कम 15 15 सीटी मारनी पड़ी है। एक्चुअली राजमा जो है, अब चलिए मैं इसमें पहले आपको तड़का डाल दूं जो मैंने बनाया था, फिर बात करती हूँ। एक्चुअली राजमा जो है ये जम्मू के बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ मुंबई में जो राजमा आते हैं, पंजाब के राजमा बहुत अच्छे होते हैं, मुंबई में जो आते हैं पता नहीं क्यों राजमा बहुत बनने के लिए देर लगाते हैं, और काफी देर तक राजमा पकाना पड़ता है। तो चलिए, मैंने तड़का और राजमा जो है इसको मिक्स कर दिया है। मुझे लगता है इस कंसिस्टेंसी बनाने के लिए प्रॉपर वाली इसको सीटियां और देनी है, और इसमें पानी भी और ऐड करना है, तो मैं पानी और ऐड करती हूँ इसमें। तो लीजिए, मैं राजमा में ये पानी और ऐड करके, अब बात मजेदार ये है कि राजमा जो है वो बन चुका है और तड़का भी बन चुका है, लेकिन तड़के का राजमा के साथ मिल जाना, एक रूप हो जाना बहुत जरूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं, और आपने ढाबों पे भी देखा होगा, कई जगहों पर देखा होगा कि राजमा तड़का डालने के बाद ऐसे ही परोस देते हैं, जो कि गलत बात है। इसमें रच बस जाना चाहिए तड़का, और इसका नमक भी मैं अब टेस्ट करती हूँ। तो लीजिए, राजमा को फिर से सीटी मरवा रही हूँ 5, तड़के के लिए 5 सीटी बहुत होती है मिक्स होने के लिए। तो देखिए, राजमा पक चुके हैं, ये रच बस गया है तड़का और राजमा साथ में। चलिए, इसे पलटते हैं, थाली तैयार करते हैं खाने के लिए। आप इसे खा सकते हैं चावल के साथ में, आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ में, परोठे के साथ में, ब्रेड के साथ में, जैसा आपको ठीक लगे, नहीं तो आप रूखा भी खा सकते हैं। तो चलिए, परोस दिया है राजमा गर्मा गर्म, राजमा साथ में थोड़ा सा मक्खन का टच दे दिया, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें।